Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mave and I'm going to teach you guys some basic concepts of chemistry. So this is the third video of this series. Okay? इससे पहले दो videos आ चुकी हैं इसी topic के ऊपर. तो last video में हमने क्या पढ़े थे? Laws of chemical combination पढ़े थे कि किस तरह से chemicals combine करते हैं. तो दो laws हम पढ़ चुके हैं already, law of conservation of mass and law of constant proportion. So आज हम पढ़ेंगे third law, which is law of multiple proportion. This law was given by Dalton in 1804. ठीक है? अब ये law क्या कह रहा है? ध्यान से देखना. मैं statement पढ़ने से पहले example समझा देती हूँ. उसके बाद आपको statement easily समझ में आ जाएगी. मान लो आपके पास दो elements हैं. आपके पास two elements हैं, different elements. Carbon, oxygen. ठीक है? Carbon और oxygen. अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे CO एंड CO2. यानी कि दो एलिमेंट्स ने कॉम्बिनेशन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए. एक बार बनाया CO और एक बार क्या बनाया? CO2 बनाया. ठीक है, अब हम इन दोनों कंपाउंड्स में क्या करेंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालते हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन का क्या निकालेंगे? मास रेशियो निकालेंगे दोनों ही कंपाउंड्स में. तो देखो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम? 12 यूनिट्स. ऑक्सीजन का कितना लेते हैं? 16, है ना? CO2 की बात करें तो कार्बन कितना है? 12. ऑक्सीजन कितना है? 16, एक का होता है, दो का कितना होगा? 32. ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों के केसेस में कार्बन का क्या है? मास फिक्स है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है. बट ऑक्सीजन का इस केस में क्या है? 16. इस केस में क्या है? 32. सपोज दिस इज फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज सेकंड कंपाउंड. तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में कार्बन का तो फिक्स मास रेशियो है, बट ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया है. फर्स्ट केस में 16 है और सेकेंड केस में क्या है? 32. तो क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है? तो किस रेशियो में? 1:2. अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या जाएगा? 32. यानी कि अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं. ये स्टेटमेंट कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स सपोज कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड. कार्बन ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट ने कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, दो या दो से ज्यादा, जैसे कि CO एंड CO2. अब देन द मासेस ऑफ एलिमेंट which combine with a fixed mass of other. Fixed mass किसका है इसमें? कार्बन का. तो masses of oxygen which combine with a fixed mass of carbon bear a simple ratio. क्या होगा? सिंपल रेशियो में होंगे. तो 16 और यहाँ कितना? 32. तो इनका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बहुत इजी है, दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, उनमें एक एलिमेंट का मास हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? उसका मास एक सिंपल रेशियो में वैरी करेगा. सिंपल रेशियो में क्या होगा? वैरी करेगा. अब एक एग्जांपल और लेते हैं, तो आप तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का. ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं. कौन कौन सी? सपोज N2O, N2O3, N2O4, N2O5. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन किया और ये सारी कंपाउंड्स बना दिए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फाइंड करते हैं. मास रेशियो किसका निकालेंगे हम? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हर केस में. तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट्स. तो 14 किसका होता है? नाइट्रोजन का. लेकिन नाइट्रोजन है कितने यहाँ? 2 एटम्स है. तो एक एटम का कितना? 14. तो 2 का कितना हो जाएगा? 14 × 2 यानी कि 28. तो नाइट्रोजन का कितना मास पुट करेंगे यहाँ? 28.
ऑक्सीजन तो सिंगल ही है, सिंगल का कितना होता है 16, तो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट केस में देखिए N2O3, नाइट्रोजन के दो एटम्स है, एक का 14, दो का कितना 28, ओके। ऑक्सीजन कितने है? 3 एटम्स है, एक एटम का आप लेते हैं 16, 3 एटम्स का क्या लेंगे 16 × 3, दैट इज 48, तो रेशियो आ गया 48, ठीक है। इन नेक्स्ट केस N2O4, नाइट्रोजन का कितना लेंगे 28, ऑक्सीजन का है 4, एक का होता है 16, 4 का कितना होगा 64, है ना। लास्ट केस में हमने क्या किया 28, क्योंकि तो फिक्स है नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन का एक का 16, तो 5 का होगा, तो इनटू 5 दैट इज 18, तो ऑक्सीजन का कितना मास रेशियो रखेंगे हम 80 पुट करेंगे। अब इन सारे एग्जांपल्स में नाइट्रोजन का जो मास है वो तो फिक्स आ रहा है हमेशा, कितना 28 बाय मास, है ना, हमेशा नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स आ रहा है 28 बाय मास। लेकिन जो ऑक्सीजन का है उसका वेरी कर रहा है, देखो 16, दूसरी बार कितना आया 48, फिर 64, देन 80, है ना। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है, देखो 16 को अगर मैं 1 मानूं तो 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा, यानी कि रेशियो क्या आ गया 1:3:4:5, सिंपल ही तो है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, 1 को 4 से करो तो 4 आएगा, 1 को 5 से करो 5, यानी कि फिर से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, दो एलिमेंट्स हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, इस केस में 4 कंपाउंड्स हैं, हर केस में हर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स किया हुआ है बाय मास 28 28 28, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का वेरी कर रहा है, किस फॉर्म में वेरी कर रहा है 16 48 64 80, ठीक है, और ये सब क्या है एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये तो सिंपल लॉ था, तो इसे नोट डाउन कर लो, पहले तो वीडियो पॉज करो, लेकिन ध्यान से देखो जो इसके क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल है, ज्यादा नहीं, थोड़े से आपको थोड़ा अप्रोच जो होगा यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देते हैं, कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड्स, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% कार्बन respectively, अभी पूछ रहा है illustrate the law of multiple proportion, illustrate the law of multiple proportion, बस इतना सा data दिया है आपको और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कार्बन ने ऑक्साइड बनाए, तो बेटा ऑक्साइड क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और ऑक्साइड्स बनाए, तो दो ऑक्साइड बनाए, फर्स्ट ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड, और दोनों में क्या है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट केस में कार्बन का कंटेंट कितना निकला 42.9%, सेकेंड केस में कार्बन का कंटेंट कितना है 27.3%। तो इतना तो हमें अब नॉलेज हो चुकी है, परसेंटेज की कैलकुलेशन सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर एक का परसेंटेज हमें गिवन है एक एलिमेंट का, तो दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, एक एलिमेंट का गिवन है तो दूसरे का क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन कितना होगा 100 में से 42.9% क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 57.1%। तो ऑक्सीजन कितना हो गया फर्स्ट केस में 57.1%, और सेकंड केस में ऑक्सीजन कितना हुआ 100 में से 27.3 माइनस करो
तो आपके पास अराउंड आ जाता है 72.7%। तो अब हमारे पास डेटा ये आया है कि कार्बन का कंटेंट पता है, ऑक्सीजन का पता, कार्बन का इस केस में भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को कैसे फॉलो करेंगे? देखो इस डेटा के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आने रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन थी उसे याद करिए कि एक एलिमेंट है दूसरे से कंबाइन करेगा लेकिन वो फिक्स रेशियो में रहेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम 12 ग्राम ही था, ठीक है। तो यानी कि हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा, या तो कार्बन को फिक्स कर दो या फिर ऑक्सीजन को फिक्स कर दो। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाना आपको, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाना है, कैसे लगाओगे, देखो ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये बाय परसेंट बाय मास तो है, इसे ग्राम में मान लेते हैं कि 57.1% ऑक्सीजन या 57.1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन से कंबाइन करती है, 42.9% कार्बन के साथ, ठीक है। तो 1% ऑक्सीजन या 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगी, 42.9 अपॉन 57.1। तो ये आपके पास आंसर आता है 0.751 कार्बन, यानी कि 1% ऑक्सीजन 0.751% कार्बन से रिएक्ट करता है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन 0.751 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाया, कुछ नहीं है, अभी आपको पहले बताया था कार्बन का गिवन है तो परसेंटेज में क्या होता है, टोटल 100 होता है, एक एलिमेंट 42.9 है तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस 42.9 57.1 आ गया। अब यूनिटरी लगा दो कि 57.1 ऑक्सीजन कितने से कार्बन से एक्ट करता है, 42.9 से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 42.9 अपॉन 57.1, यानी कि 0.751% कार्बन। अब दूसरा केस जो हम लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन कितना आया है, 72.7%, ठीक है, 72.7%। तो 72.7% ऑक्सीजन कितने कार्बन से कंबाइन करता है, 27.3% कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। तो 1% ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा, 27.3 अपॉन 72.7, तो ये हमें मिला अराउंड 0.376% कार्बन। अब हमने क्या किया, दोनों केसेस में 1% ऑक्सीजन ले लिया या 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया 1 1। तो जब ऑक्सीजन को फिक्स किया, फर्स्ट केस में 1 ऑक्सीजन है तो कार्बन कितना आया, 0.751। इस केस में भी जब ऑक्सीजन फर्स्ट यानी कि 1 है फिक्स कर दिया तो कार्बन कितना आया, 0.376। अब दोनों केसेस में कार्बन को मैच करके देखो, फर्स्ट केस का कार्बन, सेकंड केस का कार्बन, 0.751 0.376, इसमें कुछ रिलेशन है। 0.376 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 0.752 आता है ना, किसके बराबर होगा, 0.751 के, यानी कि रेशो क्या होगा इनके बीच में, 2:1 का रेशो, ठीक है। तो क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, यस, दिस डेटा फॉलोस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे पता चला, जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। आपके पास एक डेटा गिवन होगा कि कॉपर ने 2 ऑक्साइड बनाए या कार्बन ने 2 ऑक्साइड बनाए या नाइट्रोजन ने ऑक्साइड बनाए, कुछ भी बना सकते हैं, ऑक्साइड की जगह कोई और एलिमेंट भी बना सकते हैं। तो उनमें से जो दोनों एलिमेंट्स मिलके ऑक्साइड बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, उनमें से एक एलिमेंट को फिक्स कर दीजिए। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन में से आपने किसको फिक्स किया, कार्बन ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का 1 मान लिया कि 57.1 ग्राम अगर कितने से रिएक्ट करता है, 42.9% से, या परसेंट बोलो ग्राम बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मास रेशो ले रहे हैं हम, तो 1 किससे करेगा, 42.9 अपॉन 57.1, तो कुछ क्वांटिटी आ गई। इसी तरह दूसरे में कर लो, अब 1 1 तो आ गया कॉमन, तो दूसरे का रेशो देखो कि कुछ इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है, अगर रिलेशन है तो लॉ को फॉलो कर रहा है और रिलेशन नहीं है तो नहीं फॉलो कर रहा, तो इसमें तो रिलेशन आ गया 2:1 का, तो मल्टीपल ही तो है दूसरे के, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। दिस मीन्स दिस डेटा प्रूव्स या दिस डेटा फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसे पॉज करो, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचटर इन 1792। तो इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, थ्री एलिमेंट्स आ गए हैं। अब तक कितने थे, टू थे मल्टीपल प्रोपोर्शन में, अब कितने आ गए, थ्री आ गए हैं। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। अब वो थर्ड एलिमेंट सी के साथ अलग से कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके मासेस का जो रेशियो होगा इज ईदर द सेम और मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज हमारे पास, अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़ा मास कंजर्व रहेगा कि रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद मास सेम रहेगा। फिर हमने क्या किया, कंपोजिशन को कांस्टेंट रखा कि चाहे आप कहीं से भी कंपाउंड को उठा लो, किसी भी सोर्स से, उसके एलिमेंट का एक सेम रेशो रहेगा। अब हमने क्या किया, एलिमेंट का सेम रेशो तो ठीक था, अब उन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने शुरू करें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनमें से एक को तो फिक्स रखा, दूसरे का रेशो मैच किया। अब ये जो आ रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें थ्री एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आपके पास है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, तीन डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं अब ये आपस में कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे। देखो कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे होंगे, CH4 बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, CH4। ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, H2O। ठीक है, अब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास रेशियो इसमें क्या है, देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। ठीक, इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब इसे सिंपल करके देखें तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 3, यानी कि 3:1। H2O का क्या हो गया, 1:8 हो गया ना। अब देखो आपने क्या किया, हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, यहां भी बना गया, यहां भी बना गया, है ना। तो अब क्या होगा, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स विद अ थर्ड एलिमेंट, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, व्हेन ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड विद सी सेपरेटली, ठीक है, किसी रेशियो में कंबाइन करेंगे। अब क्या होगा, ये आपस में भी कंबाइन करेंगे, आपस में भी कंपाउंड बनाएंगे। सपोज अभी इन्होंने कंपाउंड बना दिया CO2। ठीक है, कार्बन का रेशो 12, ऑक्सीजन का 32, सिंपल रेशो आ गया 3:8। तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से फिक्स रेशो में कंबाइन कर रहे होंगे, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है उसका रेशो फिक्स होगा, तो हाइड्रोजन का 1 है इस केस में भी, हाइड्रोजन का 1 है इस केस में भी, तो दोनों केस में हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया। तो जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इन्हीं सिंपल रेशो में कंबाइन कर जाएंगे, या तो सिंपल इसी रेशो में कंबाइन करेंगे या इसके मल्टीपल फॉर्म में कंबाइन करेंगे। यानी कि कार्बन का यहाँ कितना रेशो था, 3, और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना रेशो, 8। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो 3:8 के सिंपल रेशो में कंपाउंड बनाएंगे, या 3:8 के रेशो में कंबाइन करेंगे, या इसके मल्टीपल की फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ, सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, ये इजी था, इसे थोड़ा और ध्यान से समझना, इसमें मल्टीपल आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब हाइड्रोजन और सल्फर मिलके कंपाउंड बनाते हैं H2S। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके मिलाते हैं SO2। अब आप क्या करेंगे, इसमें रेशो निकालिए, हाइड्रोजन का कितना, 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और उसका मास नंबर होता है 32। तो अभी ऐसा लिख लो, ठीक है,
SO2 सल्फर का कितना होता है 32, 16 होता है ऑक्सीजन का बट 16 के टू एटम्स है तो आप कितना लेंगे 32। अब और फर्दर रिएक्ट मत कराओ, मतलब रेशो डिवाइड मत करो, क्यों? क्योंकि हमें इसको फिक्स रेशो में चाहिए था, हाइड्रोजन कंबाइंड विद द सल्फर, ऑक्सीजन कंबाइंड विद द सल्फर, दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद द थर्ड एलिमेंट, और उस थर्ड एलिमेंट का रेशो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 32 फिक्स कर दिया, ठीक है, यानी कि सल्फर 32 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन से, सल्फर 32 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है, 2 ग्राम ऑक्सीजन से। अब ये आपस में भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, इन्होंने कंपाउंड फॉर्म किया H2O। तो अब जो रेशियो है देखिए, इस केस में क्या रेशियो था, 2:32, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, 1:16। वाटर के केस में जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन का कितना है 2, क्योंकि एक का एक होता है दो का दो, ऑक्सीजन का कितना 16, तो सिंपल रेशियो क्या है 1:8। अब ये जो रेशियो हमें मिला है और ये जो रेशियो मिला है, इसमें कोई रिलेशन है, इसका मल्टीपल नहीं है ये, क्वेश्चन है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3, अमोनिया कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% हाइड्रोजन। अमोनिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन कितना है 82.35% और हाइड्रोजन कितना है 17.65%। वाटर H2O, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑक्सीजन, 88.90% ऑक्सीजन एंड 11.10% हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट दे रखा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% नाइट्रोजन। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आपके पास ये डेटा आ गया, ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ समझ में आया कि तीन एलिमेंट्स आएंगे और उनमें से एक एलिमेंट फिक्स रहेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर माइंड में रहेगी ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास तीन एलिमेंट्स आए, तो सबसे पहले उन्होंने तीन डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं, नाइट्रोजन यानी कि NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया, NH3, ओके। सेकेंड केस में क्या हुआ, H2O वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बना लिया, H2O। थर्ड केस में क्या हुआ, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना N2O3, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके बना लिया। तो इसे ध्यान से देखो, इन दोनों कंपाउंड्स को NH3 H2O, इसमें क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो दोनों केसेस में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो कॉमन वाले को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और फिर जो डेटा आएगा उससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो मैच करेंगे, ठीक है। तो रेशियो देखो कैसे मैच करेंगे, इस केस में 82.35% तो है नाइट्रोजन और 17.65% क्या है, हाइड्रोजन। वाटर के केस में 88.90% क्या है, ऑक्सीजन, 11.10% क्या है, हाइड्रोजन। तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन डिफरेंट है, पहले हमारा काम होगा हाइड्रोजन को सेम करना, तो सेम कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1% का ले लो, ठीक है। तो 17.65% हाइड्रोजन कितने परसेंट नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है, 82.35% नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है। तो 1% हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगी, 82.35% अपॉन
17.65% और ये आपके पास आ जाता है अराउंड 4.67% नाइट्रोजन। या सिंपल कह दो 1 ग्राम हाइड्रोजन 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, हाइड्रोजन कितना है 11.10, हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन का गिवन है रेशियो 11.10। तो 11.10% जो आपका हाइड्रोजन है ये कितने परसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 88.90% ऑक्सीजन से। तो 1% कितने से करेगा, 88.90 upon 11.10% ऑक्सीजन। और ये जो आपके पास आया है ये आया है अराउंड 8.01% ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 8.01। तो दोनों केसेस में 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन आ गया, तो ये तो फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो देखना है, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन आया है 4.67 ग्राम, ऑक्सीजन आया है 8.01 ग्राम। अब इसमें कोई सिंपल रेशियो निकालेंगे, ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे स्मॉलर क्वांटिटी से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रेशियो आया अराउंड 1.71, 1:1.71। अब इस केस में देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन कितना है 63.15%, हाइड्रोऑक्सीजन कितना है 36.85%। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अपोजिट है, ये नाइट्रोजन आपके पास ऑक्सीजन है, मैंने अपोजिट लिख दिया था, और नाइट्रोजन कितना है 36.85%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अब हमें लिखना है, तो नाइट्रोजन है 36.85, ऑक्सीजन है 63.15, ये डेटा गिवन है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल रेशियो निकाले इसका, इसमें भी ऐसा कोरिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम स्मॉलर क्वांटिटी से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास रेशियो आता है अराउंड 1:1.72। ठीक है, अब एक हमारे पास N2O3 SH कंपाउंड था, उसमें रेशो आया 1:1.72, और इन दोनों के कंबाइन करने के बाद जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो आया वो भी कितना आया 1:1.72। तो ये सिमिलर है, ये रेशो कैसा है अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब ये जो डेटा गिवन था ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, आज के सेशन के लिए इतना ही इनफ है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।